भानु प्रतापपुर में नाराज किसान आज चक्काजाम करेंगे। धान खरीदी में सीमा तय करने से किसान नाराज हैं। धान खरीदी में सीमा और टोकन निरस्त हैं। जिला कलेक्टर के आश्वासन पर भी किसान नहीं माने हैं। तहसील के 5 स्थानों पर ये चक्काजाम किया जाएगा। बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से, जहां पर धान खरीदी में समय सीमा तय करने के चलते नाराज किसान आज चक्काजाम करेंगे। धान खरीदी में समय सीमा और टोकन निरस्त करने से किसान खासा नाराज हैं। जिला कलेक्टर ने आश्वासन दिया, उसके बावजूद भी किसान नहीं माने हैं और आज तहसील के 5 अलग अलग स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, किसानों की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही हैं, आज फिर किसान चक्का जाम करेंगे, क्या कुछ अहम जानकारी आपके पास? आक्रोशित हैं और आंदोलित हैं। प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर रोज आंदोलन कर रहे हैं। भानु प्रतापपुर में धान खरीदी पर सरकार ने लिमिट लगा दी है कि प्रतिदिन 1 निर्धारित क्विंटल से ज्यादा किसानों के धान सरकार नहीं खरीद रही है। इस बात को लेकर किसान आक्रोशित है, क्योंकि कोई किसान यदि 50 क्विंटल धान लेकर आता है तो उससे 20 क्विंटल या 25 क्विंटल ही धान खरीदी जाती है, बाकी शेष धान उसको वापस ले जानी पड़ती है, जिससे पूरे क्षेत्र के किसान आक्रोशित है और उनके टोकन भी निरस्त कर दिए गए। इस बात को लेकर आज भानु प्रतापपुर तहसील के कोरर, कच्चे, केवटी, दुर्गु कोंदल में किसान चक्का जाम करेंगे। जी शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।